यूट्यूब चैनल। दोस्तों अगर आपने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल के बटन को दबा दें ताकि हर आने वाली नई से नई वीडियो नया से नया अमल आपको मिलता रहे। आज की वीडियो में एक बहुत ही ज़बरदस्त एक ताकतवर परी का अमल लेके आया हूँ। इसे कामिनी देवी कहा जाता है और यह बहुत ही ताकतवर देवी होती है। इसे ताबे करने के बाद मेरा नहीं ख्याल कि आपको किसी और अमल की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि ये देवी जब भी किसी के पास हाज़िर होती है जिसकी ये ग़ुलाम होती है ताबे होती है उसके सामने जब बहुत हाज़िर होती है तो बहुत सारी धन दौलत जो है वो लेके आती है। उसके बाद आपका कोई भी जायज़ नाजायज़ काम हो वो करती है। गर्ज ये कि अमल को हर तरह से खुश कर देती है और किसी किस्म की उसकी खुद की कोई डिमांड नहीं होती। बहुत ही लाजवाबी अमल है और बहुत आसान है, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। इसे लड़के भी कर सकते हैं, लड़कियां भी कर सकती हैं, शादीशुदा लोग भी कर सकते हैं, गैर शादीशुदा भी। सिर्फ़ एक शर्त यह है कि जिसने भी करना है, बेशक वो लड़का है या लड़की है, तो उसका किसी भी जगह पे कोई नाजायज़ तल्लक ना हो। यानी किसी अगर लड़का कर रहा है तो शादी हो बेशक उसका मसला नहीं है, लेकिन नाजायज़ तल्लक ना हो, यानी कि उसकी कोई गर्लफ्रेंड वगैरह ना हो। अगर कोई लड़की कर रही है तो उसका कोई लड़के से के साथ जो है वो चक्कर नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये ऐसी देवी होती है किसी के साथ आपका कोई तल्लक बर्दाश्त नहीं करती। तो ये शर्त होगी, उसके बाद आप किसी भी रात से इस अमल को कर सकते हैं। अब अमल कैसे करना है, बिल्कुल तन्हाई के कमरे में ये अमल होगा। तन्हाई में बैठ के आप अमल कर सकते हैं। ज़मीन के ऊपर आपने बैठना है। ज़मीन के ऊपर बैठ के आपने एक आपको कपड़ा चाहिए लाल रंग का, बिल्कुल लाल रंग का कपड़ा चाहिए। इतना कपड़ा हो जिसके ऊपर आप आसानी से बैठ सकें। आपने वो कपड़ा बिछा देना है ज़मीन के ऊपर। फिर आपने आयतल कुर्सी का हसार लगाना है। हसार लगाने के बाद आपने और कोई चीज़ नहीं करनी, बस सिर्फ कपड़ा रखना है, हसार लगा लिया। उसके बाद आपने ये मंत्र पढ़ना है जो आपके सामने दिया जा रहा है। ये बिल्कुल जैसे तस्वीर में दिया जा रहा है ऐसे ही आपने पढ़ना है। 101 बार इसके पढ़ने की तादाद है। उसके बाद आपने हसार से निकल आना है, सो जाना है। ना अमल से पहले आपने किसी से जिक्र करना है कि मैं ये अमल कर रहा हूँ, ना अमल के दौरान करना है, ना अमल होने के बाद। अब 5 दिन का अमल है, 5वें दिन आप बाकी 4 दिन आपने ऐसे ही अमल करना है। 5वें दिन भी जैसे आपका अमल पूरा होगा आपके सामने हाज़िरी होगी, इंसानी शक्ल में हाज़िर होती है, तो इसे आप किसी भी शक्ल में रख सकते हैं। जो शक्ल आपको सही लगे आप उस शक्ल में इसकी हाज़िरी करवा सकते हैं। उससे शर्तें शराय तय कर लें, दोबारा हाज़िरी की निशानी ले लें। इस तरीके से आपकी ये देवी जो है वो गुलाम बन जाएगी। इसे आप ये भी वादा ले सकते हैं, अगर आप अमलियात करने का शौक़ रखते हैं तो ये भी वादा ले लें कि आपके पास जितना इलम है आपने मुझे सिखाना है, तो आप इससे अमलियात भी सीख सकते हैं। तो इस तरीके से आप अमल की इजाज़त लेने के बाद अमल को कर सकते हैं। अमल की इजाज़त लेने के लिए अपना पूरा नाम और तरीके पैदाइश फेसबुक के पेज पर मैसेज कर दें, या अगर आप इस अमल का ट्रांसफ़र लेना चाहते हैं, यानी कि अमल मैं करूं और हाज़िरी आपको दे दूं, आप पूरी दुनिया में कहीं पर मौजूद हों आपको हाज़िरी मिल जाएगी, तो आप हाज़िरी भी ले सकते हैं। उसके लिए भी आप मेरे फेसबुक के पेज पर मैसेज कर दें। कोई भी जायज़ नाजायज़ काम करवाना है उसके लिए भी आप मैसेज कर सकते हैं। फेसबुक पेज का लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, वहाँ भी आप मैसेज कर सकते हैं। शुक्रिया।